केजरीवाल की पत्नी से मिले कन्हैया कुमार। मुलाकात के बाद तगड़ा खुलासा, बीजेपी को कर दिया चारों खाने चित। दोनों की मुलाकात का आखिर क्या है राज? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अपने पापों का हिसाब लगा रहे हैं, तो वहीं बाहर उनकी पत्नी केजरीवाल के हर संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप इस वक्त केजरीवाल की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसे लेकर पूरी पार्टी में आपाधापी नजर आ रही है। इस हलचल के बीच जेल में बैठे केजरीवाल भी चाहते हैं कि उनकी कुर्सी पर या तो उनके ही पास वो कुर्सी रहे या फिर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास ये कुर्सी जा पहुंचे, लेकिन ये इतना आसान होता दिखाई नहीं दे रहा। इन सबके बीच लोकसभा चुनावों ने भी केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। चुनावों की खींचतान के बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल खूब एक्टिव हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ भी मिल गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। हालांकि कन्हैया कुमार ने इस मुलाकात को आत्मीय और वैचारिक बताया, लेकिन इस दौरान कन्हैया कुमार ने जो ऐलान किया उससे बीजेपी की नींद उड़ जाएगी। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के बाद कन्हैया कुमार ने कहा, देश में जिस तरह से तानाशाही चल रही है कि किसी को भी पकड़ कर जेल में बंद कर दिया जा रहा है, इसी तानाशाही के खिलाफ हम पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। हमने सुनीता केजरीवाल को बताया कि हम संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। इस मुलाकात की तस्वीर कन्हैया कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की और लिखा, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात हुई। तानाशाही के इस दौर में वे जिस बहादुरी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए डटे हुए हैं वो वाकई में प्रेरणादायक है। इस लड़ाई में हम हर कदम उनके साथ हैं। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। 25 मई को दिल्ली की जनता जेल का बदला वोट से लेने जा रही है। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने अपनी चुनावी रणनीति को भी सभी के सामने रखा और इस रणनीति से मोदी तक के होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, हम चार नहीं 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं। इंडिया ब्लॉक पूरे तरीके से एकजुट है। हम जो भी रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी या एक पार्टी के लिए नहीं है। दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। ये किसी एक व्यक्ति को सांसद या प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। ये पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, सीएम साहब को जेल में डाल दिया गया है, सवाल इस तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अधिकारों पर हर रोज हुए हमलों के खिलाफ है। सुनीता केजरीवाल और कन्हैया कुमार की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों की ये मुलाकात कांग्रेस और आप पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कन्हैया कुमार ने केजरीवाल की पत्नी से ऐसे वक्त में मुलाकात की जब दिल्ली में सीएम शराब घोटाला मामले में ईडी की रिमांड पर जेल में बंद हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में कांग्रेस आप गठबंधन को मजबूत करने और चुनाव कैंपेन के तहत ये बेहद खास मुलाकात है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध आपके ही लोग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता के सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात इस बात का संकेत है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अरविंदर सिंह लवली समेत कई इस्तीफों को गंभीरता से ले रहा है। दरअसल लवली ने इसी बात से नाराज होकर इस्तीफा दिया था कि इंटी गठबंधन जिसमें आम आदमी पार्टी है उसने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। हालांकि इस बात का ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि कन्हैया कुमार को जीत मिलती है या फिर हार नसीब होती है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।